हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द वीक, द यूट्यूब फ्राइडे फेस्टिवल, जिसका आप लोग सब वेट कर रहे होते हो, बहुत बहुत एक्साइटेड होते हो कि मैम फेस्टिवल कब आएगा, हम लोग मस्ती कब करेंगे. सो मस्ती तो ऑफकोर्स हम लोग कर ही रहे हैं अभी फ्राइडे फेस्टिवल में, और करेंगे ही गोइंग फॉरवर्ड. बट थोड़ी सी मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए, इज़न्ट इट? सो बच्चों, हियर आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर, बैक अगेन विद द क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज. और आई नो कि पिछले कुछ दो या कुछ अराउंड टू मंथ से हम लोग ये चैलेंज कर रहे हैं. सो ये जो क्विज है, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट मंथ भी मैंने इसकी एक वीडियो प्रीमियर की थी. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूइंग टू टेक दिस चैलेंज. एंड यस, हियर आई एम विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्विक इंग्लिश क्विज सीरीज. सो या, लेट्स गो अहेड बच्चों, एंड लेट्स अगेन #टेक द चैलेंज. चलो, सो बिफोर ऑफकोर्स आई गो अहेड, बच्चो आई वॉन्ट लेट यू ऑल नो दैट यू ऑल कैन ईज योर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SOS10 टू बाई योर सब्सक्रिप्शन. एंड देन आई डोंट थिंक आई नीड टू वेलकम माई सेल्फ और आई एम टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आप सबको मेरे बारे में पता ही है, माई नेम इज सोनम सूदन, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर. एंड गाइज, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी क्लास 6 का टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया, वैसे तो मैं बता दूँ क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 सबका एक टेलीग्राम चैनल है. अगर आप लोगों ने लिंक्स ज्वाइन नहीं किया है ना, तो इन सब के सभी चैनल्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो के, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें हर एक सेशन के. देन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट announcements that I want to make again is about Class Apart Bachcho. So ये एक नया channel है which is brought to you by Unacademy. यहाँ पर आपको क्या benefit मिलेगा, one shot stop है ये, one stop solution है आपके लिए, आपके exam revision के लिए. ठीक है, तो मान लो आपके exam से पहले आपको एक quick revision करनी है exams की, so this is where you need to go to Class Apart, check out the videos. एक दिन में पूरा एक chapter complete किया जाता है, एक fixed time slot है हर एक subject का. so maths का आपका जो है 2 बजे है, English का 3:30 है, साइंस का 5 o'clock है, SST का 6:30 है. सो क्या है कि इस तरीके से आपको पता चलेगा कि मेरा एक फिक्स शेड्यूल है, इस टाइम में जाकर मैं ये रिवाइज कर सकती हूँ. सो या, गो अहेड एंड एक्चुअली चेक आउट द वीडियोज ऑन क्लास अबाउट. एंड बच्चों, अगेन आप सभी के प्यार के लिए, बिकॉज यू ऑल लव टू बाय, यू ऑल लव टू गेट ऑफर्स, राइट? तो आप ही के लिए ये ऑफर जो है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, जिसमें बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, ये ऑफर आप ही सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. सो डोंट फॉरगेट टू बाय योर सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो. तो क्लास 6 से लेकर 12th सभी के लिए ये ऑफर्स अभी चल रहे हैं, बहुत कुछ फ्री मिल रहा है, गो एंड अवेल द बेनिफिट. देन इट इज़ गाइज बग्स बाउंटी. किसी भी एजुकेटर का कॉन्टेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. हियर इट इज आस्क अ डाउट, वन सच फीचर जहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूछ सकते हैं अनलिमिटेड डाउट्स, और जवाब में आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट वीडियो सोल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी, और इंस्टेंट और एक्यूरेट सोल्यूशंस मिलेंगे. देन बच्चों, हाउ डू यू यूज आस्क डाउट, तो आपको जाना है ऑन द अन अकेडमी ऐप. ठीक है, क्लिक ऑन आस्क डाउट, फिर उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग अपनी जो है एक डाउट की, अपने क्वेश्चन की एक पिक्चर क्लिक करें. पिक्चर क्लिक करने के बाद में आप उस पिक्चर को क्रॉप करें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए. उसके बाद में आप लोग सब्जेक्ट मैच करें और अपना क्वेश्चन भेज दें, विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. देन अन अकेडमी कॉम्बैट, अगर आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है यूजिंग माई कोड, गो अहेड एंड रजिस्टर, टेक पार्ट इन कॉम्बैट, बिकॉज इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है. तो क्या, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट अ चांस टू विन यू नो स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore, मतलब करोड़पति बनना है कि नहीं, तो बनना है तो यही शॉर्टेस्ट वे. तो एक तो आपको करोड़पति बनने का मौका मिलेगा, दूसरा आपको 30 questions मिलेंगे जिसमें 45 minutes मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए. August 8th को है, दोपहर को 12 बजे. फ्री टेस्ट है ये, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है, और दिस इज़ अ फ्री लाइव टेस्ट, इसलिए सिर्फ एंड्रॉयड ऐप से ही लिया जा सकता है. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यूज़ माई कोड SOS10 टू रजिस्टर फॉर इट. तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए क्लास 6 के पिछले कॉम्बैट के विनर्स ऋषभ, चैतन्य, अनीश. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का नाम आए यहाँ पे, तो जाओ और टेक पार्ट इन कॉम्बैट.
ओके बच्चो, फाइनली हियर वी आर आफ्टर 5 लॉन्ग मिनट्स ऑफ वेट इन द क्विक इंग्लिश क्विज. सो बच्चो, जैसे मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है, इस बारी भी ऐसा ही होगा. तो 6 क्वेश्चंस की क्विज है. 30 सेकेंड्स आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. उसके बाद मैं आपके साथ में आंसर डिस्कस भी करूँगी, जो बाकी के वर्ड्स होंगे मैं उनको डिस्कस भी करूँगी, एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन. मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में इससे कुछ सीखना चाहते हैं और आप सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आए हैं, तो अपनी कॉपी ले आएँ और जो है वहाँ पर आप नोट डाउन करें नए नए वर्ड्स जो भी आप सीख रहे हैं, ठीक है, आप ही के लिए बेनिफिशियल. चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट एट द काउंट ऑफ 1, 2, 3 एंड गो. द पब्लिक मस्ट लर्न टू डैश इलेक्ट्रिसिटी. Okay, the public must learn to conserve electricity. मुझे लगता है ये तो आप सबके लिए बहुत ईजी था. हर बारी मैं क्विक इंग्लिश क्विज में काफ़ी मुश्किल क्विजेज लाती हूँ, बट दिस वॉज अ फर्स्ट ईजी स्टार्ट, सो वी स्टार्ट ऑफ ईजी. आई डोंट थिंक यू गाइज रिक्वायर मच डिस्कशन ऑन दिस ऑन दिस, ठीक है. सो इट्स अ वेरी वेरी ईजी थिंग. कंजर्व का मतलब होता है बचाना, कॉन्वर्स का मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है टू टॉक टू समबडी. सो ऑफकोर्स दीज बोथ दीज वर्ड्स लुक वेरी वेरी सिमिलर. मुझे पता है कि कई बार जल्दी करते करते हम लोग को अगर ये क्विज को आंसर करना होगा इस क्वेश्चन को, तो हम इसमें शायद गलत आंसर चूज कर लें, बिकॉज बोथ ऑफ दीज वर्ड्स लुक वेरी वेरी सिमिलर एंड यू माइट एंड अप गेटिंग कन्फ्यूज. बट यू डोंट हैव टू, बिकॉज कॉन्वर्स का मतलब होता है बात करना, कंजर्व का मतलब होता है बचाना. तो बच्चों 30 सेकेंड्स, टेक योर टाइम एंड वेरी क्विकली नोट डाउन दिस वन. इस वर्ड को नोट डाउन कर लो और साथ में लिख लो जुडिशियस यूज और यूजिंग केयरफुली, और आप हिंदी में भी लिख सकते हो बचाना. टाइम अप होने वाला है. यस, आई एम श्योर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. चलो बच्चों, नाउ सेकंड क्वेश्चन. Okay, time's up. 30 seconds ho gaye hain. It was very dash of you to send me a get well card. So, it was very dash of you to send me a get well card ka matlab hai? Okay, let's check out the words. So, considerable hota hai bahut zyada. Considerate hota hai bahut thoughtful. So, bachcho, yahan pe answer hai considerate, theek hai. Considering is जब आप किसी चीज़ को कंसिडर करते हो या किसी चीज़ को थॉट देते हो, दैट्स व्हेन यू कंसिडरिंग इट. कंसिडरेट का मतलब होता है थॉटफुल. सो कंसिडरेट कुड बी एनीबडीज, इट कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव एक्चुअली. सो इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ यू टू सेंड मी अ गेट वेल कार्ड. सो ऑफकोर्स कंसिडरेट हियर इज द राइट आंसर. तो आई वॉन्ट यू ऑल बच्चों, 30 seconds, आई गिव यू 30 seconds टू नोट डाउन दिस वर्ड कंसिडरेट एंड राइट डाउन, इसके आगे लिख दो थॉटफुल, ठीक है. सो इट वॉज वेरी डैश ऑफ यू टू सेंड मी अ गेट वेल कार्ड. तो आपका मतलब इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ यू, मतलब बहुत ही आपकी एक मतलब आपने बहुत ही नॉट एग्जैक्टली अच्छा, बट आपने जिसे बोलते हैं ना कि यू वर वेरी वेरी मतलब कंसर्न्ड अबाउट मी, तो आप बहुत बहुत मेरे बारे में कंसर्न थे, तभी आई एम श्योर आपने मुझे ये गेट वेल का कार्ड दिया, राइट. तो नोट डाउन दिस वर्ड बच्चों, इट्स आई गिव यू 30 सेकेंड्स.
30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा ओके टाइम अप होने वाला है चलो गुड टाइम्स अप यस हियर इट इज थर्ड क्वेश्चन Okay, to their complete dash, the swimmers saw a shark approaching. Let's check out. So, आप देखो, अगर एक shark को कोई approach करते हुए देख रहा है, तो of course they'll be shocked, they'll be scared, they'll be terrified, right? So let's check out इसमें से कौन सा word है जिसका ये मतलब है. Conspiration, no. Constellation, no, not at all. Constellation क्या होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स यू नो दैट कॉन्स्पिरेशन वेट लेट मी जस्ट चेक आउट आई थिंक आई रिमेंबर दिस वर्ड बट कॉन्स्पिरेशन एक मिनट हाँ कॉन्स्पिरेशन का मतलब वही होता है कंस्पायर करना यानी कि किसी के खिलाफ कुछ प्लान या प्लॉट करना कुछ चाल चलना दैट्स कॉन्स्पिरेशन ऑफ कोर्स दैट डजंट फिट द कॉन्टेक्स्ट सो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम शॉक दैट इज व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टर्नेशन सो कॉन्स्टर्नेशन हियर इज द राइट आंसर नोट डाउन दिस वर्ड बच्चों कॉन्स्टर्नेशन मीन्स एक्सट्रीम बींग एक्सट्रीमली शॉक इज व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टर्नेशन सो व्हेन यू आर एक्सट्रीमली शॉक एंड बिविल्डर्ड यू आर कॉन्स्टर्नेटेड सो या नोट इट डाउन बच्चों जल्दी से कॉन्स्टर्नेशन मीन्स एक्सट्रीम शॉक anxiety, shock, stress, panic, कुछ भी आप लिख सकते हो consternation के लिए देखो मैं ये टाइम आपको बच्चों ऐसे देती हूँ ताकि कुछ फायदा भी तो हो अब आप लोग क्विज कर रहे हो what is the point if you don't note it down? Vocabulary means nothing then, right? चलो चलो बच्चों let's go ahead next question दो आंसर सिलेक्ट करने हैं आपको इसमें ओके गुड हिज लिम is dash ठीक है तो limp क्या होता है लंगड़ाना सो जैसे आप कभी limp करके चलते हो इसका मतलब आप लंगड़ा के चल रहे हो his limp is dash तो यहाँ पे आपको दो आंसर सिलेक्ट करने हैं constitutional congenital institutional so of course congenital we all know something which is there by birth तो congenital तो होगा ही होगा इसके साथ में इंस्टीट्यूशनल होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पे सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड तो इंस्टीट्यूशनल हियर इज नॉट द राइट आंसर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑल्सो मीन्स इनहेरिट यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने इनहेरिट की हो ठीक है दैट इज व्हाट इज व्हेन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल सो जल्दी से बच्चों ये जल्दी दोनों वर्ड्स नोट डाउन करो कंजनाइटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स समथिंग which you've inherited or it is there by birth. So 30 seconds, take your time, note it down. I'm not sure आपने से कितने बच्चों को इस क्विज में मज़ा आ रहा है but I hope you believe the fact that it is really adding to your knowledge. Yeah. I hope you believe the fact. And I hope उसी मोटिवेशन से आप लोग ये क्विज देखते रहे ओके कूल नेक्स्ट क्वेश्चन चला
ओके कूल. सो चिकन पॉक्स इज अ डैश डिजीज. तो वेल, हम सबको चिकन पॉक्स के बारे में तो पता ही है, बचपन में एक ना एक बारी तो सबको होता ही है, राइट? सो चिकन पॉक्स इज अ डैश डिजीज. तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू ऑल नो दिस वर्ड, इन साइंस में पढ़ा ही होगा आपने, कंटेजियस. तो कंटेजियस एक ऐसा डिजीज होता है जो टच करने से फैलता है, स्प्रेड होता है, दैट इज अ कंटेजियस डिजीज. सो चिकन पॉक्स इज अ कंटेजियस डिजीज. ऑफ कोर्स दैट इज द राइट आंसर हियर. बट लेट्स लुक एट द अदर वर्ड्स. कॉन्टिग्यूस, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉन्टिग्यूस. कॉन्टिग्यूस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एडजेसेंट, यानी कि साथ में जुड़ा हुआ. दैट इज समथिंग दैट इज एडजेसेंट इज कॉन्टिग्यूस. सो कॉन्टिग्यूस हियर डेफिनेटली इज नॉट द राइट आंसर, इट इज कंटेजियस. एंड देन इज कंटिंजेंट. तो कंटिंजेंट क्या होता है? एक ग्रुप होता है, जैसे कि द आर्मी कंटिंजेंट मूव्ड फॉरवर्ड. सो ऑफ कोर्स कंटेजियस हियर इज द राइट आंसर. मतलब आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर 30 सेकेंड्स के टाइम में अगर आप तीनों वर्ड्स को नोट डाउन करके उनके मीनिंग लिख ले. जैसे कंटेजियस इज समथिंग दैट स्प्रेड्स विद टच, कॉन्टिग्यूस इज एडजेसेंट, एंड कंटिंजेंट इज ग्रुप. तो अगर आप तीनों लिख लेंगे 30 सेकेंड्स में, बहुत ही अच्छा है. टाइमर स्टार्ट हो चुका है. नोट डाउन ऑल द थ्री वर्ड्स, इट विल बी ग्रेट. ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज. Okay, cool. The unusually heavy rainfall was a dash omen for the travelers. तो बहुत ज़्यादा rainfall जो हुई, omen क्या होता है? Omen is ऐसे बोलते हैं ना, it's a sign, मतलब एक अपशगुन, शगुन. ठीक है, जिसको बोलते हैं ना अपशगुन, कि भाई ये तो धूप गिरना तो अपशगुन होता है. So that is what is meant by omen. So it was so omen. I mean omen doesn't mean अपशगुन. But omen just means a sign that is given to you by nature, right? So it could be a bad omen, it could be a good omen. So let's check out. The unusually heavy rainfall was a dash omen for the travelers. So ill or sick, dono mein se kaun si word use hote hain? So usually ek omen ko describe karne ke liye it could be good, bad, it could be ill, it cannot be sick. Theek hai, so mujhe pata hai mostly bachchon ne socha hoga either of the two could be used, but no, that's not the answer. It is ill omen. ठीक है, सो इल इज द राइट आंसर हियर. सो या आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू नोट डाउन हियर, बट हाँ, आप ये जरूर नोट डाउन कर सकते हो, एन ओमन कुड बी गुड, बैड और इल, इट कैन नॉट बी सिक. तो या नोट डाउन कर लो इस चीज को. Okay, so here it is. We come to end of the quick English quiz. But before going, बच्चों, Unacademy की plus subscription के features बता देती हूँ. घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका, सभी courses का access, top educators आपको पढ़ाएंगे, regular doubt clearing session, पूरे syllabus का coverage, mentorship and guidance, study material in PDF, practice test, live test series and batch courses. और ये सब कितने में? Well, 2 साल 24,000, 25,000, 18 months 20,000, 15 months 18,000. और इस प्राइस पर मिलेगी 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. एंड ऑफ कोर्स ऑन EMI बेसिस भी आप पे कर सकते हो, दैट ऑल्सो नो कॉस्ट EMI. सो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपकी दूसरी, और उसके क्या क्या फीचर्स हैं? यू हैव ए पर्सनल मेंटोर,
live doubt solution session, weekly report card, parent connect, study planner, and all the benefits of Unacademy Ki plus subscription. Then, bachu, what's the price? So, 24,000, 48,000, 18,000, 35,000, 18 months, 35,000, 15 months, 32,000. Or again, it's price per 10% discount using my code SOS10. And yeah, don't forget to use my code SPSO10 to avail free special classes and free test series on the Unacademy app. Thank you so much, bachcho. Take care of yourself. I'll meet you again. Bye.